और अब बड़ी खबर, वैष्णो देवी हादसे पर जांच कमेटी बनाई गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने इस कमेटी का गठन किया। जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव गृह जांच कमेटी के प्रमुख होंगे। तो वैष्णो देवी भवन हादसे की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जिसमें अब ये जांच होगी कि आखिरकार भगदड़ की नौबत आई तो आई कैसे। लेकिन फिलहाल जो पुलिस की तरफ से कहना है वो ये कि कुछ लोग थे जिनके बीच धक्का मुक्की हुई, फिर विवाद बढ़ा और विवाद के बाद ही वहां भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हुई। लेकिन फिलहाल कमेटी बनाई गई है जो इस विषय पर अब जांच कर रही है। अश्विनी कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अश्विनी कुमार जी, जिस तरीके की स्थितियां हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि कहीं लापरवाही हुई है या किस तरीके की परिस्थितियां वहां पर पैदा हुई? जो इंतजाम होने चाहिए थे, क्या वो इंतजाम नहीं हुए या ज्यादा भीड़ आ गई इसकी वजह से घटना घट गई? जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने बोला कि वहां पर जो है भगदड़ मची है, जो स्टैम्पेड हुई है, उसके लिए जो है वहां से काफी जो रश आ चुका था, जो कि 31 दिसंबर को जैसे कि वहां पर सबसे ज्यादा रश होता है जाके पूरे देश में होटलों में, और लोग जाते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए फर्स्ट डे ऑफ द नवरात्र जो माता के दर्शन के लिए आते हैं, और जो कैपेसिटी जहाँ वहाँ पर है, वहाँ पर 30,000-40,000 की कैपेसिटी है टोटल। और जिस तरह से हमें खबर आई है कि कल शाम से ही जो कटरा पूरा पैक हो चुका था, और नुमान जो पीछे से है वो भी पूरा ब्लॉक हो चुका था। इतना रश था कि करीबन 70,000 के करीब जो है वो कटरा और ऊपर जो है वहाँ पर जो रश पहुंच चुका था, और वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, और कुछ जो है बिना पर्ची के लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से वहां पर जो है वहां पर कंट्रोल नहीं हो पाया। अभी तो ये पहली जो 1986 में जब माता वैष्णवी श्राइन बोर्ड बना था, जबकि राज्यपाल वहां पर उस वक्त जगमोहन थे, उन्होंने बनाया था, ये पहला इंसिडेंट ऐसा है कि इतने लोग, करीब एक दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं वहां पर मारे जा चुके हैं भगदड़ की वजह से, और तो कंट्रोल है। हालांकि इसकी मैनेजमेंट बड़ी अच्छी होती है, वैष्णो देवी को 31 दिसंबर के ऊपर जो है पूरी मैनेजमेंट जो है काफी कंट्रोल होती है, और इवन की वहां पर जो रूम्स है वो भी जो है राजभवन से क्लियर होते हैं कि अगर कोई वीआईपी को जाना है और तो एकोमोडेशन कम है, मगर कितने लोग वहां पर पहुंच चुके बिना पर्ची के, वो कैसे पहुंचे और कहां से पहुंचे, क्योंकि एक ही द्वार है जहां से कि दर्शनी जोड़ी वहां से क्रॉस होती है, और उसकी वजह से जो है मैनेजमेंट वहां पर जो है वो ठीक नहीं हो पाई और हादसा हुआ। और वहां पर क्योंकि जगह कम है, वहां पर हर जगह पर आपने देखा होगा कि वैष्णो देवी भवन के आसपास की जहां वह एकोमोडेशन भी कम है और जगह भी कम है, और इतनी भगदड़ हुई और 2:30 बजे करीब जो है ये हादसा हुआ है, और उसके बाद कंट्रोल नहीं हो पाया, और जब तक पुलिस भी काफी थी वहां पर और श्राइन बोर्ड के लोगों ने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, मगर जिस तरह से वहां पर तबाही का पांडव वहां पर हुआ, और जिस तरह से लोग जो है वहां पर एक दूसरे पर गिरे, और काफी वहां पर जो बॉडी जो है सारी पहुंच चुकी है, और राज्यपाल जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनोज सिन्हा ने, उन्होंने वहां पर एक हाई लेवल कमेटी बैठाई है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए और किस तरह से हादसा हुआ, क्या कारण थे, और यात्रा कैसे ऊपर इतनी चलेगी जबकि कैपेसिटी 25,000-30,000 के ऊपर अगर चले जाती है तो काफी वहां पर परेशानी हो जाती है, और कितनी यात्रा कैसे गई और फर्स्ट टाइम ऐसे कैसे हो चुका है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसको पूरा इसके लिए वो मैनेजमेंट देखी जाएगी। और वहां पर काफी जो है गवर्नमेंट जो है काफी सीरियसली ले रही है कि पहला दिन है साल का और पहले दिन ही इतनी बड़ी खबर आई है कि यात्री और लोग परेशान है, माता वैष्णो देवी के हजारों की तादाद में जो है लोग दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बाकी जगह से वहां पर दर्शन के लिए आते हैं, और वहां पर जो रश है इसकी वजह से जो है अभी तक जो है बॉडीज को कटरा लाया गया और उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, क्योंकि अभी जो नया ट्रैक बना है उसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेज चल पड़ा है, क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो भवन से जो कि कटरा तक करीबन 13 किलोमीटर का रास्ता है, उसको जो है रेस्क्यू करने में आसानी होगी। अगर वो रास्ता नहीं होता तो शायद जो है डेथ्स और होती, मगर जी
ठीक है अश्विनी, आप रहिए जरा साथ। देखिए हमारी संवाददाता कमल जी संधु ने बात की जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह से। माता वैष्णो देवी श्राइन में एक भगदड़ का इंसिडेंट सामने आया है। हमारे साथ इस वक्त है जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह। सर, नए साल में इस तरह की घटना होना, आप बताएंगे कि क्या हुआ वहां पे असल में और कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की डेथ हो चुकी है? बहुत अफसोसनाक वाक़ा है। रात को 2:30 बजे के करीब गेट नंबर 3 जहां से आगे माता के दरबार के दर्शन लिए जाते हैं वो, वहां पर ये वाक़ा पेश आया। जो इनिशियल सुनने में आ रहा था कि कहीं लाइन में नौजवान बच्चे थे, उन्होंने एक किसी दूसरे को पुश किया थोड़ा सा, उसमें बाकी लोग भी थोड़ा सा उसमें धक्के मुक्के के माहौल में आगे पीछे हुए और जिसमें थोड़ा सा भगदड़ का माहौल हो गया। इसलिए स्लोपी एरिया है क्लॉकडाउन पास में, जहाँ सामान वगैरह रखते हैं लोग दर्शन करने के जाने से पहले, वहाँ भगदड़ के दौरान काफी लोग जख्मी हुए। वहाँ पुलिस, सीआरपी, हमारे जो श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी के लोग हैं वो तैनात थे। उन्होंने इमीडिएटली इवैक्यूएशन रेस्क्यू का काम शुरू किया और इंजर्ड लोगों को नीचे कटरा में हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। सर, इसमें अपने आप में एक डिफिकल्टी है क्योंकि एक ट्रेन है जो कि एक डंडी की तरह ऊपर जाता है, कई लोग घोड़े पर जाते हैं, तो वहां से हॉस्पिटल में पहुंचाने में किस तरह की दिक्कत हुई? अब लोगों को ऑर्गेनाइज, हमने हमेशा देखा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से यात्रा होती है, तो ये कैसे हो गया इंसिडेंट? सर, लोग बड़े ही डिसिप्लिन में क्योंकि श्रद्धा के साथ वहां जाते हैं, कभी ऐसा वाका होता नहीं जब दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ना जाने इस वक्त क्या माहौल एकदम रहा होगा क्योंकि एकदम आई विटनेस बहुत ज्यादा, इसमें को बात करें कहो तो उसका कोई अवेलेबिलिटी है? जो सुनने में आया किसी ने कहा कि एक नौजवान बच्चा था, एक दूसरे को कुछ किया, जब एक गिर गया कहीं को स्लिप करके और उससे कुछ हो गया को दूसरा, उसी के बाद ये कार्रवाई जो है वो शुरू होगी इस जगह पे। और उसके बाद चला तो थोड़ी देर के लिए, मगर उसी के बीच में काफी लोग गिरगिरा गए और जख्मी हुए जिनको फिर एडमिट किया गया। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी तादाद में आते हैं लोग यात्रा में, नवरात्रों में तो बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं। और नीचे जाने सर, क्या ये यात्रा अभी के लिए सस्पेंड की गई है या क्या मेजर लिए गए हैं? यात्रा रिज्यूम कर दी थी, यात्रा थोड़ी देर के लिए ही उस वक्त डिस्टर्ब हुई थी, थोड़ी देर के बाद फिर से जब इवैक्यूएशन हो गई और यात्रा शुरू कर दी। रात को डीआईजी पुलिस और एसएसपी पुलिस, एसपी कटरा सब मौके पर उसी वक्त दौड़ गए थे, पहुंचे वहां पर, रेस्क्यू के काम भी देखे और बाकी चीजें भी देखी, हालात का जायजा भी लिया। अभी भी यात्रा इस वक्त स्मूथली चल रही है। आपने कहा हाँ, ट्रेन तो टफ है, फासला है, नीचे वैक्यूएट करने में टाइम भी लगता है, मगर एक अल्टरनेट रोड अभी बनी है जिसके जरिए से गाड़ी नीचे आ सकती है, बैटरी कार भी आ सकती है, दूसरी गाड़ी भी आ सकती है इमरजेंसी की जरूरत में। काफी जल्दी से उनको शिफ्ट किया गया, कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगा, मगर फिर भी क्योंकि कुछ लोग ज्यादा सीरियस जख्मी हो गए भगदड़ के बीच में, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। चश्मदीदों का बयान भी सामने आ रहा है, क्या कह रहे हैं प्रत्यक्षदर्शी, सुनिए। 1 बजे के करीब की बात है सर, 1 बजे, और बल्कि एक बार इससे पहले भी हुआ था, बट वो समहाव बहुत माइनर था, उसमें किसी को चोट नहीं थी, कोई हताहत नहीं हुआ था, लोग ठीक ठाक थे। आप कहाँ से हैं सर? जी मैं गाजियाबाद से हूँ सर। कितने क्या सिचुएशन थी वहाँ पे और आपके कौन लोग हैं जो साथ में? सर ये मेरे नेबर हैं, एक्चुअली हम लोग 8-10 लोग आए थे, ये हमारे नेबर हैं, मतलब हम लोग 8-10 लोग इकट्ठे आए थे। जी वो क्या सर? स्टैम्पेड ही हुआ है सर, स्टैम्पेड इसलिए हुआ क्योंकि लोग इतने ज्यादा थे, रास्ता था नहीं, हर तरफ से आदमी सोचा था कि मैं निकल जाऊं, जिसने दर्शन कर लिया वो भी सोचा था मैं पहले निकल जाऊं, और जिसने दर्शन नहीं किया तो सोचा मैं पहले जाके दर्शन कर लूं। तो आप दर्शन कर पाए? नहीं कर पाए सर, हम नहीं कर पाए, बहुत रश था, नहीं कर पाए। नॉर्मल ये हो सकता है कि श्राइन बोर्ड ने जो भी लोगों को छोड़ा यहाँ से वो एज्यूम करके छोड़ा कि भाई आप वहाँ पे दर्शन करेंगे वापस आ जाएंगे, बट ये हो सकता है लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए, उन्होंने दर्शन करके वहीं पे रुक गए, तो वहाँ पे पूरा मास गैदरिंग हो गई, तो लोगों को जगह नहीं मिली, अब वो थोड़ी सी जगह में जो आ रहे थे जा रहे थे उसी हिसाब से मैनेज कर रहे थे सर वो।
अपनों को कैसे ढूंढ पाए आप जब इतना वहाँ? सर मेरे साथ दो लोग थे, एक की डेथ हो गई है, एक को फ्रैक्चर हुआ है, उनको करीब एक घंटे बाद जब होश आया है तो उनका फोन लगा है, तब उनको कॉल किया है मैंने, तब उनसे मेरी बात हो पाई है। आप वहीं थे तब मौके पर? जी मैं वहीं था, लेकिन मेरी वाइफ भी मेरे साथ ही थी, बट समहाउ हमें कुछ नहीं हुआ, हम थोड़ा सा मैनेज किया। माता रानी का शुक्र है कि हमें कुछ नहीं हुआ। तो जो चश्मदीद बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ मास गैदरिंग हो गई, जिसकी वजह से भी रास्ता उतना जगह लोगों के पास नहीं थी ताकि वो आराम से निकल पाएं, लेकिन आप भीड़ भी देखिए कितनी तादाद में लोग वहाँ पर मौजूद थे दर्शन करने के लिए। और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों के बीच में बहस हुई धक्का मुक्की के बाद, जिसके बाद स्थितियाँ वहाँ पर बिगड़ी। अब कई सवाल हैं, कोरोना को लेकर वहाँ पर एहतियात क्यों नहीं बरते गए, ये एक बड़ा सवाल अब इस हादसे के बाद है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को आखिरकार ताक पर क्यों रखा गया, क्योंकि आप देखिए जो तय मानक हैं वो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। एंट्री पॉइंट पर सुरक्षा के इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं थे, ये सारे सवाल अब खड़े हो रहे हैं। भीड़ का अनुमान था तो पर्याप्त इंतजाम आखिरकार क्यों नहीं किए गए, क्योंकि ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि न्यू ईयर पे कमोबेश पिछले सालों उसके पिछले साल भी भीड़ अब पहुंचती है, और ऐसे में भी अगर इंतजाम नहीं हुए तो सवाल उठने लाजमी है। साथ ही साथ तीसरी लहर का खतरा था, ये बताया जा रहा था कि हर जगह क्षमता से कम लोगों को और पूरी चेकिंग के साथ, नियमों के साथ, प्रोटोकॉल फॉलो करके एंट्री मिलेगी, बावजूद उसके यहाँ वो प्रोटोकॉल फॉलो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने कहा कि ईश्वर घायलों को जल्द स्वस्थ करे, घायलों को हर संभव मदद का निर्देश भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया। वे अमित शाह का भी ट्वीट आया, उन्होंने लिखा कि माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है, हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना है। तो मुआवजे का ऐलान भी आपको बता दें, इस बीच हो गया, जो घायल हैं उनको 50,000 मुआवजे का ऐलान हुआ है और जिनकी मृत्यु हुई है उनको 2,00,000 रुपए मुआवजे की बात की गई है। अभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, गंभीर कुछ लोग बताए जा रहे हैं अलग अलग अस्पताल में रेफर करने की बात। इस बीच राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, लिखा माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना जो हुई वो दुखद है, मृतकों के परिजनों को मेरी शोक संवेदनाएं, घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो राहुल गांधी का भी ट्वीट आया, लेकिन इन सब के बीच सवाल अपनी जगह है और इसीलिए देखिए जांच कमेटी भी बनाई गई है हाई लेवल की, जो ये अब तय करेगी कि आखिरकार किन वजहों से ये हादसा हुआ, उसकी जांच अब होगी। थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मैंने खास बातचीत की, क्या कहा उन्होंने सुनिए। मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र सिंह जी, क्या जानकारी आप तक पहुंची है, कैसे घटना हुई, फिलहाल घायलों की स्थिति कैसी है, घायल कितने लोग हुए हैं और कितने लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है? घायलों का जहां तक संबंध है लगभग 12-13 लोग इंजर्ड है, जिनको बेसमेंट हॉस्पिटल है कटरा में, वहां पहुंचा दिया गया है। जी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं संपर्क बनाए हुए हैं, तमाम अधिकारियों के साथ बात कर रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ भी, पुलिस कर्मियों के साथ भी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी, हम भी उनको हर प्रकार से संपर्क में हैं उनके साथ। दो इंजर्ड जो हैं उनमें थोड़ी सी, बाकियों को तो सामान्य चोटें हैं, थोड़ी सी ज्यादा लगी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर आवश्यकता हुई उनको बाहर शिफ्ट करने की तो उसकी भी व्यवस्था की जाएगी उसी की अनुकूलता से अभी, लेकिन कहा जा रहा है कि यहीं पर इलाज संभव हो जाएगा। बाकी जो 12 मौतें हुई उसकी कोई भरपाई तो की नहीं जा सकती, हालांकि एक्सग्रेशियल कॉम्पनसेशन की घोषणा यूटी प्रशासन की ओर से भी की गई है, केंद्र की ओर से भी पूरी तरह का सहायता दी जा रही है। और दुखद समाचार है, कुछ एक सालों से एक नया ट्रेंड आया है कि न्यू ईयर ईव पर रश बहुत ज्यादा होने लगा, तो कई बार वहां का जो प्रशासन है वो दे आर ऑल्सो टेकन बाई सरप्राइज। मेरी बात हो रही थी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रमेश कुमार हैं जो श्राइन ट्रस्ट के, पहले अक्सर अपेक्षा रहती थी कि त्योहारों के दिन ज्यादा रश हुआ करता था, भले ही नवरात्रि हो, भले ही संक्रांत हो, मकर संक्रांत हो या दीपावली हो, विजयदशमी। अब जो नई पीढ़ी है इसमें न्यू ईयर ईव भी एक प्रेफर्ड डेट रहती है, तो शायद ये अनुमान से अधिक रश होने की वजह से। और कुछ ये घटना भी उसी समय प्रारंभ हुई, कुछ एक नौजवान खड़े थे गेट नंबर 3 पर, उनमें आपस में चर्चा हो रही थी, कहा तो नहीं जा सकता कि बहस थी क्या था, बहरहाल उसी
बातचीत में उनके किसी को एक को धक्का लगा या लगाया गया भी मालूम नहीं, तो भीड़ इतनी थी कि वन थिंग लेड टू द अदर, दूसरों को लगा और पैरिंग में सब घबराहट में भागने लग गए इधर उधर के, ना मालूम क्या हुआ है। सर क्या जानकारी, कितने बजे ये घटना घटी? ये लगभग 2 और 2:30 बजे के बीच का समय था सुबह जी, और नया साल था तो लोग बाग भी अपने अपने नया साल को ही मना रहा था, लेकिन वहां रश काफी था ये सुबह के दर्शन के लिए और आरती के लिए जी। सर कुछ और अगर जानकारी, क्योंकि ये गेट नंबर 3 की जो स्थिति आप बता रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा गाइडलाइंस भी थी कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो प्रोटोकॉल फॉलो कर? मुझे लग रहा है गाइडलाइंस तो थी जी, इनफैक्ट नंबर भी निर्धारित किया हुआ है ट्रस्ट ने, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ इस तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, लोग बाग श्रद्धालु केवल मानते भी नहीं है तो इस, और खासतौर युवा लोग जी। और ये घटनाक्रम भी युवाओं के उस स्थल से हुआ, वो गेट नंबर 3 पर जो खड़े थे, लेकिन बहरहाल एक बहुत ही दुखद समाचार नववर्ष के अवसर पर।